हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूं। आज क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है और आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की ये छठवीं क्लास लेके आया हूँ। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं। इसके पहले भी क्लासों में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की जो क्लास हमने पढ़ी है उनमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास भी बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर व्हाइल कॉपर इज 9 टाइम्स हैवियर देन वाटर। इन व्हाट रेशियो शुड दे बी मिक्स्ड सो दैट द मिक्स्ड मेटल इज 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु पानी से 15 गुना भारी हो। बताइए भाई, 4:3 के रेशियो मिलाया जाए कि 2:3 कि 9:8 कि नन ऑफ दिस। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ पे हमने मान लिया इनको जो है कि जिस रेशियो में इनको मिलाया जाए, तो लेट द रेशियो इज, उस रेशियो को हम मान लेते हैं कुछ। जैसे हमने मान लिया कि लेट द रेशियो इज y:1। क्या है y:1 हमने मान लिया, ठीक है ना। हमने मान लिया कि उनको y:1 के रेशियो में मिलाया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, सोना और पानी। तो पहले में क्या है आपका, जो गोल्ड इज 19 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तो इसमें अगर हम गोल्ड की बात करते हैं कि भाई देखो, एक में आपका गोल्ड और वाटर का रेशियो है, एक में अगर हम देखें तो गोल्ड और वाटर का रेशियो क्या निकल के आएगा, गोल्ड एंड वाटर के रेशियो की अगर हम बात करें, वाटर के रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 19:1 होगा, क्योंकि 19 गुना भारी है। तो अगर आपका वाटर एक है तो आपका गोल्ड 19 है। इसी प्रकार से जब हम कॉपर की बात करते हैं और वाटर की बात करते हैं तो कॉपर और वाटर का क्या रेशियो है, तो आपने कहा ये रेशियो जो है आपका कितना है, ये रेशियो आपका 9:1 है, ठीक है ना भाई। एक वाटर है तो 9 आपका कॉपर है। अब यहां पर जो नया मिक्सचर बनेगा वहां से जो है आपको, आपने उसको मिलाया लेट द रेशियो इज y:1। तो अब जैसे हमने इससे गोल्ड निकाल लिया तो 9, ठीक है ना, 9y, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 9y प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो y:1 के रेशियो मिलाना है तो यहां से हमने क्या ले लिया 9y और यहां से हमने ले लिया 9, ठीक है ना, 9:1, ठीक है। अब देखो ये टोटल कितना है आपका, ये टोटल है आपका y+1, ये टोटल है आपका y+1 जो आपका किससे, आपके वाटर से कितना भारी हो जाएगा, 15 टाइम्स हो जाएगा। तो जो टोटल आपका ये बन के आएगा y+1, इससे यह आपका 15 टाइम्स होगा। तो यहां से हमने एलॉय निकाल लिया, गोल्ड क्या आपका 19, वाई प्लस यहां से हमने निकाल लिया 1 भाई, यहां से हमने एक निकाल लिया और यहां से हमने वाई पार्ट निकाल लिया, तो ये जगह 19y+9:1 इक्वल्स टू जो ये आपका टोटल पार्ट बनेगा, जो यह आपका एलॉय बनेगा उसका यह 15 टाइम्स होगा। अब यहां से जरा वाई की वैल्यू निकालिए कितनी आ जाएगी, जब निकालिए देखिए 19y+9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15y प्लस आपका हो जाएगा 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, y एक तरफ कर लिया, कितना आ जाएगा आपका ये 19y-15y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15-9, ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल्स टू हो जाएगा 6।
तो y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6/4, तो 2 3 6, 2 2 4, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/2। तो किस रेशियो में इनको मिलाया गया था, y रेशियो 1 के रेशियो में, तो इनको जो है किस रेशियो में मिलाया जाएगा, इनको मिलाया जाएगा जो है y रेशियो 1 के रेशियो में, तो y की वैल्यू है 3/2 रेशियो 1, तो यह आ जाएगा आपका 3 रेशियो 2। क्या आ जाएगा, 3 रेशियो 2 के रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। बात समझ में आई भाई, गोल्ड और वाटर का रेशियो कितना था, 19:1, कॉपर वाटर का रेशियो कितना था, 9:1। अब हमने ये देखा कि ये मान लिया कि इनको y रेशियो 1 केस में मिलाया गया, पहले से जो है जो गोल्ड निकाला गया वो y पार्ट, जो दूसरे से कॉपर मिलाया गया वो 1 पार्ट, ठीक है ना, तो 19y+9:1। अब जो ये टोटल हमारा पार्ट बन के तैयार हुआ, अर्थात जो y प्लस 1 हुआ उसका वह 15 टाइम्स है, तो अब जब हमने यहां से y को निकाला, y कितना आ जाएगा 3/2, किस रेशियो में मिलाना था, 3/2 रेशियो 1, ठीक है ना, तो यह जगह 3 रेशियो 2, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द वेट ऑफ मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आर इन द रेशियो 7:8 एंड देयर टोटल वेट इज 120 kg। After doing a dieting course, Mr. Gupta's weight reduced by 6 kg and the ratio of his weight becomes 5:6. By how much did Mrs. Gupta's weight decrease? श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 ग्राम है, डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया, श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ, बताइए भाई। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 9 kg कम हुआ, 13 kg कम हुआ, 4 kg कम हुआ कि 6 kg कम हुआ, तो यहाँ पर देखें अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है कि श्री तथा श्रीमती गुप्ता अर्थात मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, एक मिस्टर गुप्ता दिए गए हैं और एक मिसेस गुप्ता दी गई है, ठीक है ना, इनका जो आपका जो है अनुपात है भार का वो 7:8 है, अगर इनके टोटल भार की बात करूं कितने बराबर हो जाएगा, हो जाएगा आपका 7+8 इक्वल्स टू है आपका 120 के, तो हो जाएगा 15 = 120, तो 1 = आ जाएगा आपका 8, ठीक है ना, यहां पे 120 है तो 1 = कितना जाएगा आपका 8, तो 1 = 8, तो 7:8 ratio 8:8, तो मिस्टर गुप्ता का भार है 56 और मिसेस गुप्ता का भार है 64, ठीक है ना, मिस्टर गुप्ता का भार कितना है 56 और मिसेस गुप्ता का भार कितना है 64। अब देखो क्या करें भाई, दोनों लोग डाइटिंग करने लगे कि भाई बहुत ज्यादा भार हो गया है, अब थोड़ा डाइटिंग किया जाए, तो डाइटिंग के बाद क्या हुआ कि जो मिस्टर गुप्ता थे उनका भार 6 किलोग्राम कम हो गया, तो जब 6 किलोग्राम कम हो गया तो इनका भार कितना हो गया, जरा 6 किलोग्राम इसमें माइनस कर दीजिए, तो -6 कितना बचेगा, इनका तो 50 kg ही हो गया, लेकिन अब इनका नहीं पता, इनका कितना कम हुआ ये नहीं पता, वो आपको बताना है, तो आपने मान लिया कि इनका जो है इनका xkg कम हुआ, इनका मान लो सोच करो xkg कम हो गया, ठीक है ना, तो यहां पर जो है हमको x की वैल्यू ही तो निकालना है, तो हमने यहां पे माइनस का 6 कर दिया, माइनस का हमने यहां x कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका 64 - x, भाई यहां की वैल्यू हमें नहीं पता ना, तो हमने कह दिया यहां पे माइनस का x हो गया, माइनस का xkg कम हो गया, तो ये हो जाएगा 64 - x, इसका जो रेशियो आएगा 50/64 - x जो आएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 5/6 के, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो है देखो एग्जाम में यही सब चीजें देखी जाती हैं, अब जैसे अगर मैं चाहे तो डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेता, जैसे 5:6 बनना, ये 50 है तो ये 60 हो जाए भाई, ये 50 है तो ये 60 हो जाए, और 60 तब होगा जब इसमें हम 4 kg माइनस कर देंगे, तो 5:6 हमारा बन जाएगा, ये आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं,
और देखो हम कैसे निकालेंगे, तो भाई 50 ये हो गया 64 माइनस एक्स, इतना करने पे रेशियो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा, 6 का मल्टीप्लाई यहां, 5 का मल्टीप्लाई यहां, कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका जो है 5 4 20 और बचेगा 2 5 6 30 और 2 32 320 माइनस 5x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 300। 6 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू हो जाएगा 320 माइनस 300, तो ये हो जाएगा आपका जो है 5x इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 20/5, 5 4 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। अर्थात मिसेज गुप्ता के भार में कितनी कमी हो गई, 4 kg की कमी हो गई। मिसेज गुप्ता के भार में कितने केजी की कमी हो गई, 4 kg की, और जब 4 kg कमी होगी तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। भाई 50 है वो 60 हो जाए तो 5:6 आपका बन जाएगा। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्लियर है, समझ में बात आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन अ बॉटल इज 3:1, हाउ मच पार्ट ऑफ इट शुड बी टेकन आउट एंड दैट मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट इन द फाइनल मिक्सचर अल्कोहल एंड वाटर आर इक्वल। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है, इसका कितना भाग निकाल कर, किसका, अल्कोहल का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि अंत में बने मिश्रण में मदिरा तथा पानी बराबर हो जाए। बताइए भाई 2/3 2/5 है, 4/3 है कि 1/3 है कि 8/3 है। तो अगर आप यहां पर बात करें, देखो तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर अल्कोहल कितना है, ठीक है ना, अगर यहां पर बात करें कि अल्कोहल कितना है, तो आपने कहा अल्कोहल की मात्रा है 3, वाटर की मात्रा कितनी है, वाटर की मात्रा है आपकी 1, ठीक, वाटर की मात्रा कितनी है आपकी 1। अच्छा टोटल मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा कितनी है, तो 3+1 टोटल जो मात्रा है, टोटल आपका है 4, 3+1=4। अब देखो अगर मैंने यहां पे माना कि वह जो मात्रा जो उसमें मिलाई जाएगी और जो निकाली जाएगी पानी की, वो मान लो x है, ठीक है ना, यहाँ पे भाई देखो हाउ मच पार्ट ऑफ इट शुड बी टेकन आउट एंड दैट मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट इन द फाइनल मिक्सचर। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि इस पूरे पार्ट, भाई टोटल पार्ट कितना है 4, अगर इसमें से मैंने पहले मदिरा मतलब कि एल्कोहल को अगर निकाल लिया, अगर एल्कोहल को निकाल लिया तो एल्कोहल कितना आएगा, एल्कोहल को अगर मैंने निकाला तो भाई देखो टोटल पार्ट है 4, ठीक है ना, वो मात्रा मैंने कितनी मानी थी x, वो मात्रा मैंने कितनी मानी थी x, लेट द अमाउंट इज x, कौन सा जो आपको इसमें से निकालना है, जो इसमें आपको डालना है, वो अमाउंट आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है, वो अमाउंट आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो यहां से देखो क्या है कि अब यहां पे हमने अमाउंट क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो अगर हम इसमें से जो है मदिरा को निकालते हैं तो एल्कोहल कितना हो जाएगा, एल्कोहल कितना हो जाएगा अगर हम इससे निकालेंगे, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका टोटल है 4, उसमें से आप जो है 3 निकाल लीजिए, भाई 3 पार्ट है तो जाएगा 3x/4 और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा आपका x/4, कितना हो जाएगा x/4, ठीक है ना, क्योंकि भाई जब 3x टोटल भाई आपका 4 है, उसमें से 3x आपका अल्कोहल है, तो 1x क्या बचेगा आपका जो है वाटर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अब हमको मिलाना है पानी, अब अगर हम पानी मिलाते हैं, पानी मिक्स करते हैं, तो जो नया मिश्रण बनेगा, भाई अब पानी मिलाएंगे तो नया मिश्रण बनेगा, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, पानी मिलाने के बाद जो नया मिश्रण बनेगा, जो नया मिक्सचर बनेगा,
तो उसमें जो है अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, जो आपका जो है जो न्यू मिक्सचर होगा, जो न्यू मिक्सचर होगा, ठीक है ना, जो न्यू मिक्सचर होगा उसमें अल्कोहल की मात्रा, उसमें अल्कोहल कितना होगा पानी मिलाने के बाद, तो आपने कहा 3, उसमें जो है 3x/4 कितना हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 16 माइनस 3x/4 कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस 3x/4 क्या हो जाएगा 4। अगर मैं बात करूं यहां पर वाटर की, अगर मैं यहां पर बात करूं जो है वाटर की, ठीक है ना, तो वाटर की अगर हम बात करते तो वाटर कितना हो जाएगा भाई, भाई अल्कोहल कितना हो जाएगा 3 माइनस 3x/4 तो जाएगा, एक मिनट, यहां पे 12 आएगा, तो यहां पे आपका ये 12 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा 12 माइनस 3x/4। अब अगर बात की जाए यहां पे वाटर की, अगर बात की जाए वाटर की, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, अब देखो वाटर कितना था x/4, तो x/4, ठीक है, इसमें और हमें x मिलाना है ना, इसमें और हमें क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है, ठीक है ना, तो हमने अमाउंट क्या माना है, x माना, तो हमने प्लस x कर दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस x/4x/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3x/4, ठीक है ना। अब इन दोनों अमाउंट को बार बराबर कर लो, वाटर और एल्कोहल की, तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, देखो जरा यहां पे जो है आपका कितना आ जाएगा 12 माइनस 3x/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 3x/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका जो है कितना 12 माइनस 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 3x, ठीक है ना, तो 3x जब जाएगा कितना हो जाएगा ये 6x, 12 माइनस 4 हो जाएगा आपका जो है अगला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है, जब नेक्स्ट पार्ट पे आप चल, कितना आ जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका जो है 3x+3x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, तो ये आपका नया जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 6x इक्वल टू आ जाएगा आपका 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 8/6, किससे कटेगा 2 से, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3। अब देखो जो आपका ये x है टोटल मात्रा में मिलाया जा रहा है, ये टोटल मात्रा से निकाल लिया गया है, ठीक है ना भाई, x पानी उसमें मिलाया गया, ठीक है ना, और जो हमने ये अमाउंट माना इसको x को उसमें से निकाल लिया गया, तो जो x निकाला गया, ठीक है ना, वो कितना पार्ट था 4/3, किसमें से, टोटल पार्ट में से, तो अगर मैं बताऊं कि ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि टोटल पार्ट कितना है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4 इकाई 4 बराबर 4/3 के, तो 1 बराबर कितने का होगा भाई, ये जो x निकला ये x आपका इस अमाउंट से निकल गया है, तो ये किससे निकला, टोटल से, टोटल कितना है 4, तो 4 इक्वल टू कितने के 4/3 के, तो 1 इक्वल टू कितने के हो जाएगा 4/3 × 4, तो 4 से 4 कट जाएगा कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा, अर्थात इसमें जो आपका रेशियो आएगा तो वो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, यहां पे जो आंसर आएगा कितना आएगा, कितना मिलाया जाएगा 1/3 आपका मिलाया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, 1:3 आएगा आपका, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बात मेरी समझ में आई भाई, हमने मान लिया कि जो अमाउंट आपका निकाला गया वो x था, तो उसमें से अल्कोहल कितना आ जाएगा 3x/4 टोटल में से, वाटर कितना होगा x/4, अब उसमें अगर हम पानी मिलाते हैं तो अल्कोहल की मात्रा नए मिश्रण कितनी होगी 12 माइनस 3x/4, वाटर की कितनी होगी 1 माइनस x/4 प्लस x, हमने पानी उसमें और मिला दिया, ठीक है ना, पानी में पानी और मिला दिया गया, तो कितना हो गया 4 प्लस 3x/4, तो यहां पे जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3। अब ये जो मिश्रण निकाला गया है टोटल में से निकाला गया, तो टोटल मात्रा कितनी थी आपके टोटल मिश्रण की 4, तो 4 बराबर 4/3 के, तो 1 बराबर आपका आ जाएगा 1/3 के, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/3, क्लियर है।
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई क्या होगा कि अ मेटल कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4, हाउ मच जिंक हैज टू बी मेल्टेड विथ 24 kg ऑफ कॉपर। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तो यहां पे दे बताइए भाई 37/3 होगा कि 51/5 होगा कि 32/3 होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो आपने कहा कि यहां पे जो है जो आपको दिया गया है जो रेशियो कॉपर और जिंक का दिया गया है, तो कॉपर और जिंक का रेशियो कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका 9:4। अब देखो यहां पे जो मात्रा दी गई हमको जिंक किसकी कॉपर की दी गई है 24 kg कॉपर, तो यहां पे जो है कितना है 9, तो 9 बराबर हो जाएगा 24 के, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 अपॉन 9, 3 से काट दो, 3 8 24 3 3 9, तो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 8/3। तो हमको मात्रा निकालनी है जिंक की, हमको मात्रा निकालनी है जिंक की, तो जिंक की मात्रा कितनी होगी जरा निकालिए भाई, जिंक की मात्रा कितनी हो जाएगी 4 × 8/3, तो 8 4 जा 32 अपॉन 3, तो 32/3 ही तो आपकी जिंक की मात्रा होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसको और भी आप जो है आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं 10^2/3 भी तो लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन में आपका 32/3 दिया है तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा 32/3 kg, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं 100 kg ऑफ मेटल बी इज मिक्स्ड विथ 60 kg ऑफ मेटल ए। इफ द रेशियो ऑफ लेड एंड टिन इन मेटल ए इज 3:2 एंड इन द मेटल बी इट इज 4:1, देन व्हाट विल बी द टिन इन द न्यू मेटल। धातु के एक 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया, यदि धातु ए में सीसे और टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नए धातु में टिन कितना होगा। आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, देखिए कितना आसान है। पहले में अगर हम देखें ए की अगर हम बात करें तो ए का रेशियो दिया गया है टिन और लेड और सीसे, लेड और टिन का कितना दिया गया है 3:2, ठीक है ना, लेड और टिन का जो रेशियो दिया गया है इसमें वो दिया गया 3:2। अच्छा ए की टोटल मात्रा कितनी दी गई है 60 kg, तो अगर मैं इसमें बात करूं कि लेड कितना है टिन कितना है, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका 3+2 कितना हो जाएगा 3+2 = 60, तो ये जाएगा आपका 5 = 60, तो ये 1 = कितना आ जाएगा आपका 12, 1 = कितना आ जाएगा आपका 12, तो यहां पे लेड कितना हो जाएगा, लेड कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 × 12 3 × 12 ratio 2 × 12, तो लेड हो जाएगा आपका 36 और टिन हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना भाई। 3 × 12 क्या निकल के आया लेड और 2 × 12 क्या निकल के आया टिन, तो 60 kg जो आपका ए में मिक्सचर है उसमें आपका 36 kg लेड है और 24 kg आपका टिन है। जरा बी की बात कर लेते हैं, तो बी में टोटल मिक्सचर कितना है आपका, बी में टोटल मिक्सचर है आपका जो है 100 kg है, कितना है 100 kg है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो लेड और टिन का, जो लेड और टिन का जो आपका रेशियो है वो कितना है आपका, वो 4:1 है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 4+1 = है 100 के, तो हो जाएगा 5 = 100, तो 1 = हो जाएगा आपका 20 के, तो यहां पे आपका 4 × 20 ratio 1 × 20, तो जो यहां पे लेड है वो आपका 80 है और जो आपका टिन है वो कितना है आपका 20 है।
अब यहां पे जो नई धातु आएगी, जो नया मिक्सचर आएगा, उसमें टिन की मात्रा बतानी है। तो अगर हम नए न्यू जो है जो हमारा नया जो नई धातु है उसमें अगर टिन की बात करें कितना आएगा, ठीक है ना, न्यू मेटल में टिन की मात्रा, जो न्यू मेटल है उसमें हमारी टिन की मात्रा कितनी होगी। तो आपने कहा पहले वाले से आपको कितना लेना है, पहले वाले से लेना है 24, दूसरे से कितना लेना है आपका 20, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 44 केजी। भाई पहले में आपका 24 है, दूसरे में आपका 20, दोनों को जब मिला दिया जाएगा तो 44 केजी नए धातु में टिन होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, जो नया मेटल होगा उसमें जो टिन की मात्रा है ये। अगर यहां पे जो है लेड की मात्रा पूछी जाएगी तो कितनी आ जाएगी आपकी 36 प्लस आप जो है 80 कर दीजिए, वहां से आपको टिन की लेड की मात्रा मिल जाएगी, तो टिन की मात्रा हो जाएगी आपकी 44 केजी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस इन अ कॉलेज इज इन द रेशियो 3:5:8। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज डिपार्टमेंट्स इज increased by 20%, 40% and 25% respectively, then the ratio of the number of students in these departments is, एक महाविद्यालय में कला वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हुई हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात है क्या होगा, अनुपात बताइए। 3:7:5 होगा, 19:21:23 होगा, 18:35:50 होगा कि 28:33:39 होगा। तो यहां पर देखें, अब अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो जो दिया गया है आपका कला वाणिज्य तथा विज्ञान अर्थात आर्ट, फिर दूसरा क्या है आपका, पहला आर्ट है, फिर कॉमर्स है, फिर आपका कॉमर्स है, ठीक है ना, फिर आपका क्या है, साइंस है। इसमें जो आपका रेशियो दिया गया है वो 3:5:8 दिया गया है, ओके। अब क्या कह रहा है कि इनमें जो है परसेंटेज कुछ परसेंट बढ़ जाए, जैसे आपका जो है आर्ट में 20%, ठीक है ना, कॉमर्स में 40% और जो है आपका साइंस में 25%। अच्छा, परसेंटेज को हम किस पे लेके चलते हैं, बेस क्या होता है उसका, 100 बेस क्या होता है आपका, 100 होता है। तो अगर मैं इसको 100 पे लेके चलूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 में कितना बढ़ गया, 120/100, क्योंकि भाई परसेंटेज निकालने के लिए आपको अपॉन 100 लगाना पड़ेगा, 100 आपने बेस माना है, तो अगर भाई 100 का 20% 20 अर्थात 120 बढ़ गया। इसी प्रकार से मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पे कॉमर्स की तो कॉमर्स में कितना बढ़ा है, 40%, तो 5 का 140% बढ़ गया तो 140/100 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, 8 का 25%, 8 × 125% / 100, क्लियर है। अब जरा इसको यहां से कैंसिल कर लीजिए, कितना कैसे होगा भाई, देखो हो जाएगा आपका 0 से 0 और ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है, ये कितना होगा, 0 0 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, ठीक है, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 4 2 जा 8, तो ये रेशियो बनेगा आपका 6:5:7 रेशियो, यहां से आपका जगह 5 2 जा 10, क्लियर है, समझ में बात आ गई भाई, यहां पे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, तो ये रेशियो बन जाएगा 6:5:7:5:10। अब देखो जरा यहां पे आप 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 6:35:50, 5 का मल्टीप्लाई मैंने इन दोनों में कर दिया तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 50, तो रेशियो जो बनेगा वो 6:35 आपका बन जाएगा 50, नहीं ये 18 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे 18 होगा, एक मिनट जरा रुकिएगा, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, है ना,
क्योंकि ये आपका थ्री और बचा था ना, थ्री तो हमने छोड़ ही दिया, तो 6 3 18 हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा यहाँ पे, 18:35:50, 18:35:50, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, 18:35:50 ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इन अ कॉलेज द स्टूडेंट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम वर इन द रेशियो 4:5 रिस्पेक्टिवली विद द एडमिशन ऑफ 65 मोर स्टूडेंट इन द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स दिस रेशियो बिकम 8:11 रिस्पेक्टिवली हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे, वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात क्रमशः 8:11 हो जाता है, हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं बताइए भाई, 1135 है कि 836 है कि 520 है कि 575 है। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे हमें रेशियो दिया गया है जो है आर्ट एंड कॉमर्स स्ट्रीम का, ठीक है ना, कितना है रेशियो आर्ट एंड कॉमर्स का, ठीक है ना, कॉमर्स का दिया गया है। तो अगर मैं मान लू 4:5 दिया गया है तो आप मान लीजिए कि आर्ट में जो है स्टूडेंट की संख्या 4A है और इसमें है 5A है, 4:5 है तो 4A मैंने मान लिया स्टूडेंट की संख्या आर्ट में और 5A मैंने मान लिया स्टूडेंट की संख्या कॉमर्स में, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो 65 स्टूडेंट हैं वो आपके कॉमर्स में एडमिशन लेते हैं, कॉमर्स जो है संकाय में एडमिशन लेते हैं, तो यहां पे देखे जरा क्या हो जाएगा, कॉमर्स कितने हैं 5A, तो ये हो जाएगा आपका 4A/5A, इसमें 65 और मिल गए, तो ये जो रेशियो है ये आपका 8:11 हो गया। भाई देखो रेशियो 4:5 था, रेशियो 4:5 क्या था, 5 था। अब हमने क्या मान लिया कि भाई उसमें जो स्टूडेंट थे वो 4A 5A, ठीक है, 4A आपके आर्ट्स में, 5A आपके कॉमर्स में। अब जो लोग एडमिशन लेते हैं वो आपके कॉमर्स में लेते हैं, तो 5A+65 ये जो रेशियो 8:11 हो जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 11 4 जा 44A, ये हो जाएगा आपका 8 5 जा 40A, ये हो जाएगा 8 5 जा 40, हो जाएगा 8 5 जा, यहाँ प्लस लगाओ, 8 5 जा 44 आपका कैरी हुआ, 8 6 जा 48, ठीक है ना, 8 6 जा 48 और 48 और प्लस 4 कितना जाएगा 520, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 4A 44A-40A=520, ओके, ये कितना जाएगा आपका 4A = हो जाएगा आपका 520, तो A = हो जाएगा आपका 520/4, कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा, तो A = आ जाएगा आपका 130, A = आ जाएगा आपका 130। अब अगर मैं बात करूं यहां पे जो आर्ट्स के कितने स्टूडेंट हैं, तो आप बोलेंगे आर्ट्स की अगर आप बात करते हैं तो आर्ट्स में है 4A, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है 130, 4 × 130 हो जाएगा आपका 520, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। और अगर बात करें यहाँ पे जो है कॉमर्स की तो 5A 650, ठीक है ना, 600 कितना हो जाएगा 50, 650 आपके कॉमर्स में और 520 आपके आर्ट में पूछा गया है आर्ट का, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं कि द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 schools A, B and C इज 5:4:7 रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दीज स्कूल्स इन इज इंक्रीज्ड बाई
20%, 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, देन दिस रेशियो विल बी, तीन विद्यालयों ए बी तथा सी के छात्रों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात होगा, क्या होगा बताइए? 6:5:7 होगा, 30:28:47 होगा कि आपका जो है 30:25:42 होगा कि 35:38:41 होगा। तो यहां पर देखें, जो आपको ए बी और सी में छात्रों का अनुपात दिया गया है, ए बी एंड सी में छात्रों का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया 5:4:7। अब देखिए यहां पे अभी भी मैंने बात की थी कि जब भी परसेंटेज की बात आती है, परसेंटेज को हम 100 पर बेस मान के लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कह रहा है कि इन विद्यालयों छात्रों की संख्या क्रमशः, तो पहले में 20%, दूसरे में 25%, तीसरे में 20%। अब परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड किससे करना पड़ता है, 100 से। तो जरा देखो यहां पे कितना हो जाएगा, तो 5 का कितना 20% बढ़ जाता है, तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अच्छा, अगर बढ़ेगा तो हम उसमें प्लस करेंगे 100 में, अगर घटेगा तो माइनस करेंगे। जैसे कहता है कि 20% कम हो गया तो हम वहां पे 120 की जगह कितना लेते, 80 ले लेते, ठीक है ना। अब यहां पे देखो इसमें क्या होगा, इसमें 25% बढ़ रहा है, तो 4 × 125/100 यहां पे कितना है, यहां पे आपका 20% बढ़ रहा है किसमें, 7 में, 7 × 120/100, ठीक है। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये यहां से आप एक काम करो 100 सबको यहां से कैंसिल कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, ये कितना हो जाएगा आपका 4 × 5 = 20, 2 आपका कैरी हुआ, 4 × 2 = 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, 1 कैरी हुआ, 4 × 1 = 4 और 1 कितना हो जाएगा आपका 5। समझ में बात आ गई भाई, 4 × 5 = 22 कैरी हुआ, 4 × 2 = 8 और 2 हो जाएगा 10, तो 0 1 कैरी हुआ, 4 × 1 = 4 और 1 हो जाएगा 5। यहां जरा देखो 7 × 0 = 7, 2 = 14, 4 1 कैरी हुआ, 7 × 1 = 7 और 1 हो जाएगा आपका 8। अब देखो यहां पे ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, अब इसको किससे काटेंगे, 2 से काट दें, देखो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 5, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 होता है जी, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब ये किसी एक ही संख्या से कटेगा क्या, नहीं, तो आपका रेशियो आ जाएगा 30:25:42, यही आपका नया रेशियो होगा, यही आपका नया रेशियो होगा, 30:25:42, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है भाई। अब ये देखो, ये तीनों एक ही संख्या से कटनी चाहिए भाई, ये तीनों आपके 2 से डिविजिबल है तो आपका रेशियो बन गया। अब ये तीनों एक ही संख्या से डिविजिबल नहीं है, इसलिए आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 30:25:42, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5 रिस्पेक्टिवली, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 52 मोर देन द सेकेंड नंबर, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तीन संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं, पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए, 95 है कि 45 है कि 65 है कि आपका जो है 75 है, ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो तीन संख्याओं का अनुपात क्या है, 3:4:5 है, तो यहां पे अगर हम तीनों संख्याएं मानते हैं x y z, इनका अनुपात दिया गया है 3:4:5। अब देखो क्या कह रहा है कि पहली तथा तीसरी संख्या का जो योग है वो आपका दूसरी संख्या से 52 अधिक है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम देखें तो पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है,
पहली और दूसरी संख्या का योग कितना है? तो आपने कहा पहली और दूसरी संख्या, पहली संख्या x है और तीसरी संख्या क्या है आपकी, z है। तो x प्लस z कितना है आपका, 3 + 8 ये हो जाएगा आपका, 3 + 5 कितना हो जाएगा आपका, 8। दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 4। और इस ये इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो सम है, वह दूसरी संख्या से आपका कितना ज्यादा है, 52 ज्यादा है। तो 8 - 4 = 52। तो यहां पे आपका 4 = हो जाएगा 52। तो 1 = हो जाएगा आपका 52/4। तो कितना हो जाएगा आपका, 1 = हो जाएगा 13। 1 = कितना आ जाएगा आपका, 13। 13 4 जो आपका 52 होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं संख्याओं की, अगर मैं बात करूं संख्याओं की, पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है y, तीसरी संख्या है z। तो जाएगा 3 × 13, यह जाएगा आपका 4 × 13, और ये हो जाएगा आपका 5 × 13। तो पहली संख्या आ जाएगी आपकी 39, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 52, और तीसरी संख्या आ जाएगी आपकी 65। क्या पूछ रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बताइए भाई। एक पहली संख्या आपकी 39, दूसरी संख्या है आपकी जो है 52, और तीसरी संख्या आपकी 65। तो सबसे जो बड़ी संख्या वो आपकी 65 होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे जो बड़ी संख्या है वो आपकी 65 होगी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, ऑन इंक्रीजिंग ईच नंबर बाय 6 द रेशियो बिकम्स 4:5, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है, इन संख्याओं का अंतर कितना है, ठीक है, 9, 6, 13 या 4। आपने कहा मान लिया वो दोनों संख्याएं, लेट द नंबर इज 3x and 4x, ठीक है ना, 3x and 4x। अब दोनों में 6-6 की वृद्धि हो गई, तो अगर वृद्धि हो गई तो यहां पे जरा देखो, और रेशियो जब हमने इसमें दोनों में इंक्रीज कर दिया 6-6 का, तो वहां पे जो नया रेशियो आपका 4:5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 6, और जब हमने कर दिया 4x + 6, तो जो रेशियो है ये बन गया आपका जो है 4:5, अर्थात 4/5, ठीक है भाई। जब 3x + 6 हो गया, और जब 4x + 6 हो गया, तो रेशियो आपका 4:5 बन गया, अर्थात 4/5 बन गया। अब जरा देखो, 5 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो, कितना हो जाएगा आपका ये 5 × हो जाएगा 3x + 6, 4 × 4x + 6 हो जाएगा, ठीक है। जरा मल्टीप्लाई करिए, 15x + 30 = 16x + 24, कितना हो जाएगा ये, x एक तरफ कर लो, कितना हो जाएगा 16x - 15x = 30 - 24, तो x = आ जाएगा आपका 6, x = कितना आ जाएगा आपका 6 भाई, 16 में से 15 गया तो 1, तो यक्स, और ये आ जाएगा आपका कितना 6, तो x = 6 आ गया। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूं, तो पहला था 3x, तो ये जाएगा 3 × 6, तो ये हो जाएगा आपका 18। दूसरा था 4x, तो ये जाएगा आपका 4 × 6, दूसरा हो जाएगा आपका 24। दोनों में डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 24 - 18, दोनों में आपका 6 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। पहला नंबर है आप, एक नंबर है आपका 18 और एक नंबर है 24, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका 6 है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई, दोनों में आपका 6 की वृद्धि हो रही थी,
तो यहां पे 3x प्लस 6 4x प्लस 6, अब जो रेशियो आएगा 4/5 का आएगा, ठीक है ना। तो अब यहां से हमको नंबर मिल गया, एक आपका 18 हो गया, एक 24 हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 96, व्हाट इज देयर सम। दो संख्याएं 2:3 के 2:3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, इनका योगफल कितना है, 25 है कि 16 है कि 20 कि 35 है। तो आपने कहा कि पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, यहां पे देखो तो यहां पे आ जाएगा आपका जो संख्याएं दी गई हैं, मान लो एक ए है एक आपका बी है, ये रेशियो दिया गया है 2:3, इनका जो प्रोडक्ट अर्थात गुणनफल दिया गया है तो 2 × 3 इक्वल्स टू 96, तो ये 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 96/6, यहां पे 1 स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो आएगा उसका हमें रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहां पे इसको यक्स मानते हैं, एक संख्या आपने मान ली 2x, एक संख्या मान ली आपने 3x, ठीक है ना, तो वहां पे जब आप 2x × 3x करेंगे तो x × x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे हमने यक्स नहीं माना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पे 1 का मल्टीप्लाई जब दो बार होगा तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 16, 6 जा आपका 96 होता है, तो 1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 4। यहां तक मेरी बात सबको क्लियर हुई, ठीक है ना भाई। जब 1 बराबर आप करेंगे कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट का 16, और रूट 16 किसका होता है आपका 4 का, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो अगर मैं नंबर की बात करूं कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 4:3, तो जो नंबर है वो एक आपका हो जाएगा 8 और एक हो जाएगा आपका 12। तो इनका टोटल सम पूछ रहा है, इनका सम पूछ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि दियर सम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 8+12 आंसर हो जाएगा आपका 20। उनका जो आपका जो है योग है वो आपका 20 होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन दोनों संख्याओं का जो योग है वो आपका 20 होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो समझ में बात आ रही कैसे करना है, ठीक है। तो भाई उनका सम पूछा था, एक संख्या आपकी 8 है एक संख्या आपकी 12 है, दोनों का जो सम है वो आपका 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। थ्री नंबर्स ए बी एंड सी आर सच दैट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी एंड फोर्थ टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5 times ऑफ सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड सी। तीन संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं कि ए का दुगना बी के 3 के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है, ए तथा सी का अनुपात कितना है। 7:19 है, 15:8 है, 28:33 है कि 8:15 है। देखिए जरा, अगर आप यहां पर देखें तो तीन संख्याएं आपको दी गई हैं ए बी तथा सी, तीन संख्याएं आपकी दी गई हैं ए बी तथा सी। सबसे पहले आपको दिया गया है ए और बी के बारे में, क्या दिया गया है कि ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी। तो अगर मैं यहां पर आपको कहूं तो देखो, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी, यही तो है। ए का जो 2 गुना है वह बी के 3 गुने के बराबर है। 2 गुने का मतलब हो गया 2 के, ए में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और बी में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए रेशियो बी क्या निकलेगा, तो ए अपॉन बी निकल के आएगा ये आपका 3/2। तो आप कह सकते हैं कि ए रेशियो बी निकल के आएगा आपका ये 3:2, ठीक। अब जरा निकाल लीजिए आप अगले वाले स्टेप में, देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि एंड फोर टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 5 times ऑफ सी। अब कह रहा है कि 4 times b इक्वल टू 5 times c, ठीक है ना।
बी का चार गुना सी के पांच गुने के बराबर है। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर मैं बी रेशियो सी निकालता हूं तो कितना निकल के आगे जाना देखें, जाएगा बी अपॉन सी इक्वल टू हो जाएगा 5/4। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी रेशियो सी हो जाएगा आपका 5:4। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, बी, दोनों में कॉमन क्या है, बी। तो अब आप निकाल लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है ना। तो ए रेशियो बी कितना है, 3:2 है, बी रेशियो सी कितना है, 5:4 है। अब इस रेशियो को कैसे बराबर करना है आपको पता है, कैसे बराबर करना है आपको पता है, यहां पे खाली है भरना है, पड़ोसी भरेगा, कौन है पड़ोसी, दो, तो यहां पे दो आ जाएगा, यहां पे कौन पड़ोसी है, पांच, तो पांच आ जाएगा। जरा इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 15, 5 2 10 और 4 2 8। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, 15:10:8। हमसे क्या पूछा है, ए तथा सी का अनुपात कितना है, तो यहां पे पूछा गया है ए रेशियो सी, तो आ जाएगा आपका 15:8, 15:8 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15:8 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ए तथा सी का जो अनुपात है वो आपका हो जाएगा आपका 15:8, 15:8 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑब्टेंड व्हेन द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द सेकेंड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा, बताइए भाई। 5:6, 6:5 की 9:8 की 8:9। देखें जरा, यहां पे दो संख्याएं हैं, एक आपने माना ए और एक आपने माना बी, इनका रेशियो दिया गया है 4:5। अब देखिए, पहली में 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, दूसरी में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहां पे जरा देखें, यहां पे जरा देखें कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें वृद्धि की तो क्या हो जाएगा, 4/120/100, क्योंकि 100 पे हम परसेंटेज लेके चलते, तो 20% मतलब 120 हो गया परसेंटेज, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा यहां पे रेशियो। अब देखो इसमें क्या हो गया, 20% की कमी, तो 100 में 20% कम हो, कितना हो गया, 80 बच गया, अपॉन कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है ना, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है ना। किससे कटेगा ये आपका, ये किससे कटेगा, ये आपका क्या 8 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 8 6 48 8 5 40, ये रेशियो आपका आ जाएगा 6:5 आपका आएगा, पहली संख्या 6 दूसरी संख्या 5, तो 6:5 के रेशियो में दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं आपकी 6:5 के रेशियो में हैं, ठीक है ना, किस रेशियो में, 6:5। ये रेशियो आया है संख्याओं का, संख्याएं नहीं है, ये संख्याओं का रेशियो है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 6:5। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द रेशियो ऑफ डिफरेंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1:7:24, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात 1:7:24 है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, बताइए भाई। 48 होगा, 94 होगा कि 105 होगा कि 86 होगा, ए बी सी और डी में कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए दो संख्याएं आप हम मान लेते हैं, दो संख्याएं, एक संख्या मान लो लेट द नंबर इज एक्स एंड वाई एंड जेड, लेट द, अच्छा दो संख्याओं का ही तो दिया है, तो लेट द नंबर इज, लेट द नंबर इज, लेट द नंबर इज एक्स एंड वाई, ठीक है ना, एक्स एंड वाई। तो क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस सम एंड प्रोडक्ट, तो सबसे पहला जो दिया है वो डिफरेंस का दिया है,
तो देखो यक्स माइनस वाई इक्वस टू, यहां पे कुछ और मान लो, जैसे मान लो मान लेते हैं 1a, ठीक है ना, इसको a मान लो यहां पे 1a, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, सम, तो यक्स प्लस वाई कितना दिया है आपका 7a, यहां पे आप मान लो इसको जो है ये क्या है प्रोडक्ट, तो यक्स इंटू वाई कितना है आपका 24a। अब देखिए आपको एक चीज पता है, अगर आप जो है आपको फॉर्मूले सबको आते हैं, a प्लस बी का होल आप स्क्वायर भी आता है, a माइनस बी का होल आप स्क्वायर भी आता है, तो अगर आप a प्लस बी का होल आप स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, a माइनस बी का होल आप स्क्वायर करते हैं, तो इसका जो आपका है वो जो आपका रिजल्ट होता है वो 4ab होता है। आप चाहे तो इसको करके भी निकाल सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अगर मैं लेके चलता हूं यहां पे x और y को, अगर मैं इसकी जगह x और y ले लेता हूं, तो जाएगा x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4xy। आपने कहा बिल्कुल, अब जरा देखें x प्लस वाई कितना है 7, तो जाएगा 7a का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये कितना है आपका 1a इक्वल्स टू कितना है आपका 4 इंटू कितना है 24a। आगे जरा सॉल्व कर लीजिए इसको, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो जरा कितना जाएगा 49a स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24 4 जा 96a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका जो है यहां पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 49a स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना a माइनस b कितना है आपका डिफरेंस है आपका जो है 1a, तो वहां पे a आपने मान लिया, वो जाएगा आपका 4xy होता है, क्लियर है। अब जरा देखो कितना होगा आगे, तो यहां पे जो है देखो भाई कितना आ गया, अच्छा एक मिनट, जो यहां पे स्क्वायर है ना, यहां पे स्क्वायर है भाई, हमने तो यहां पे लगाया नहीं, तो यहां पे स्क्वायर आएगा ना, यहां पे स्क्वायर आएगा, तो ये a स्क्वायर आएगा, यहां पे a स्क्वायर आएगा, कितना बचेगा ये आपका 48a स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 96a। देखो a से a कट जाएगा, कितना बच जाएगा आपका ये 48a इक्वल्स टू 96, तो a बराबर हो जाएगा 96 अपॉन 48, 48 टू जा आपका होता है 96, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहां देखो, यहां पे जरा a की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा डिफरेंस, आ जाएगा 1 इंटू 2, तो आ जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा आपका 24 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 48। बात मेरी समझ में आई, ठीक है भाई। इसको हमने क्या मान लिया, x माइनस वाई, अब यहां पे हमने a एक वैल्यू और मान ली, जिससे हमको यहां पे आसानी हो जाएगी इसको निकालने में, तो ये हो जाएगा आपका 1a, ये हो जाएगा x प्लस वाई 7a, और x इंटू वाई कितना दिया 24a। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट होता है 4ab, तो उसकी जगह हमने x y मान लिया, तो यहां पे x प्लस वाई कितना है 7a स्क्वायर, यहां पे x माइनस वाई कितना है आपका 1a, तो ये 1a का होल आप स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा 49a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आपका कितना बचेगा 48a स्क्वायर बराबर 96a के, a से a कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा आपका 2, तो उनका जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा आपका 48 होगा, ऑप्शन a आपका सही आंसर हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लीकेशन वो आपका 48 होगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप रेशियो एंड प्रपोर्शंस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।